हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं निपन चक्रवर्ती और आप देख रहे हो नील्स लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज हुआ क्या है, मैं सुबह काम पर गया था तो मेरे साथ क्या हुआ है देख लीजिए। पता है आज क्या हुआ, मैं तो काम पर गया था, ठीक है, तो टाइम था कुछ 10 से 10:30 बजे। क्या हुआ, हम लोग गए और हमारा जो ऑजर वगैरह था, मशीन जो पाइपलाइन का काम करते हैं हम, तो जो मतलब हम लोग का जो अवसर था वो सब निकाले बैग से और काम करने शुरू हो गया, काम करने लग गया। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद नीचे एक कार आया और हॉर्न बजाते हुए हमको बुला रहा है, अबे बाइक बाइक किसका है, बाइक किसका है। तो हम तो गया नीचे, मतलब हम फर्स्ट फ्लोर में थे तो सीढ़ी से नीचे आया। हम आके देख रहे हैं कि जो जीप मतलब कार से जो लोग निकल रहे हैं वो सब पुलिस है, ठीक है, पुलिस नहीं। तो क्या हुआ, हम तो घबरा गए, तो वो बोलने लगे कि क्या कर रहा है इधर। तो हम बोले कि सर क्या कर रहे, काम कर रहे इधर, हम लोग काम के लिए आए हैं। तो वो डंडा निकाले एक, लगे चल यहाँ से भाग। सर क्यों भागूँ, तो सर लॉकडाउन है, पता नहीं क्या तुझे। हाँ सर पता तो है, पर हम लोग तो यहाँ पे 10-12 लोग तो एक साथ नहीं है, हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, तो काम करने में क्या दिक्कत है। बोले कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, इधर से निकल, मैं राउंड दे के आता हूँ, अगर फिर से तुम लोग दिखाई दिया मुझे तो ये गाड़ी है वो जो तुम्हारा जो अवसर वगैरह है सब ले जाऊँगा और तुम्हें भी उठा के ले जाऊँगा। ओह नो। तो गाइस क्या करे, तो भाग आए वहाँ से और काम पे आज हुआ नहीं कुछ। तो टेंशन ये है कि अगर इस तरह लॉकडाउन चलता रहे तो हम लोगों का क्या होगा, जो मजदूर लोग हैं, हम भी मजदूर हैं, तो हम लोगों का क्या होगा, ये लेके बड़े टेंशन में हुआ अभी। क्योंकि यार काम नहीं करूँगा, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोगों का जो घर का किराया वो नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, मतलब काम के लिए मैं घर पे रहता हूँ किराए के लिए, किराए लेके, तो घर पे नहीं रह पाऊँगा, घर के जो मालिक है वो आके पैसा मांगेंगे, और लोन वगैरह जो है लोन भी देना होता है हम लोगों को। गाइस ये प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, प्रॉब्लम अगर हो तो क्या करें, झेलनी तो पड़ेगी। तो अभी क्या करें, कुछ भी नहीं है, कोई आइडिया दे दो यार, घर पे वैसे कर, घर पे बैठ के पैसा कमाने का कोई आइडिया अगर आप लोगों के पास है तो दे दो प्लीज़, नहीं तो ये भिखारी मर जाएगा, पता है मर जाएगा, दिमाग ख़राब हो रहा है खराब होके। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं घर जाके आप लोगों से, तब तक के लिए रुकिए आते हैं। तो गाइस आज लंच पे ये है भिंडी फ्राई और ये चावल, और ये रहा अंडे ऑमलेट करके करी बनाया गया है इसका आलू से, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो अभी मैं खाने जा रहा हूँ। तो गाइस मैं अभी खा रहा हूँ, आप लोग इंजॉय कीजिए। एक किस्सा हुआ आज, मैंने सुबह डेटा ऑन नहीं किया, फिर भी मेरा सारा डेटा गायब, इसलिए मेरा एक सिम मैंने पोर्ट करके आया। वाओ, अबे बाप गिर गया है। ओह नो। ये भिंडी फ्राई के साथ चावल का एक मजा ही कुछ और है। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है इसलिए मिलाना नहीं पड़ रहा है अलग से। मेरे एक तार कट गया है बिजली के अंदर, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे चावल थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, इतने चावल मैं नहीं खाता हूँ। अरे कैसा काम किया रे, मैं इंसान हूँ कि राक्षस।
मुझे क्या डोरेमोन का ध्यान समझा क्या रे? आप लोग डोरेमोन देखते हो? मैं भी देखता हूँ, इतना बड़ा हो क्यों? तो लिया भिंडी से खाना, आप मैं खाऊंगा अंडे का कड़ी। तो भैया और बहनों, ये जितना भी कड़ी है ये पूरा मेरा है। बाप रे बाप, oh, no. मैं इतना नहीं खाता हूँ गाइस, मुझे ज़्यादा दिया गया है। मुझे सबके सामने राक्षस बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे घर वाले। चारों ओर सिर्फ आलू आलू है। वाओ, तो ये तेज पत्ता इसके साथ चिपक के क्या कर रहे हैं? अबे ये शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चल हटो यहाँ से। ये मैं फेंक देता हूँ क्योंकि ये तो हम खा नहीं सकते, फेंकना ही पड़ेगा। वाओ टमाटर, ओ कितना कलरफुल बन गया है। सफेद चावल की ऊपर ये लाल पीला कड़ी, पीला नहीं हुआ है, लाल सिर्फ। अब क्या करना गाइस, सब रखा हुआ है मेरे लिए, खाना तो पड़ेगा नहीं तो सब खराब हो जाएगा और फिर मम्मी मेरे पीठ पे तबला बजाएगा। झोल भी है थोड़ा ले लेता हूँ। तो सब ऐसे ही सब करके ले लेता तो होता क्या? मैंने इतना मतलब मेहनत क्यों किया एक करी लेने में? मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो चलिए गाइस, अब इससे खाना हम लोगों का शुरू करते हैं। आप लोग भी खाइए मेरे साथ। आप तो खा नहीं सकते, आप सिर्फ आ कीजिए और निकल लीजिए, समझ लिया? आप ही आप लोग भी खा रहे हो ऐसे समझ लो, समझ लो ना भैया। आए बहुत टेस्टी है ये। पापा आप भी खा के देखो पापा। बहुत टेस्टी है। आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना? अच्छा ये दिख नहीं रहा, ये देखो So guys, मैं इसको हाथ में पकड़ कर नहीं रख सकता क्योंकि ये गिर रहा है। तो मैं मिलता हूँ खाने के बाद, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। गाइस खाना मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं अब जाऊंगा कहाँ आपको पता है? मेरी पॉम्पम के पास। तो ये पॉम्पम कौन है आपको पता लगाना होगा। तो कैसे पता लगेगा इसलिए पूरा वीडियो देखना होगा, स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो। मेरी पॉम्पम कौन है ये अगर जानना चाहते हो तो चलिए। ये देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू है आसमान का। वाओ वो देखिए पंछी की घोंसला है उधर। हाय गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरा सबसे अच्छा चुनू मुनू जैसा एक बच्चा है, तो उस बच्चे को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ले 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 खाना खा रहे हो तुम, ले ले ले। वो देखो अभी खा रहे हैं खाना, कितना मजे से खा रहे हैं, क्यूट सा बच्चा है। पापा, पापा, ये देखो वीडियो हो रही है तुम्हारी। बताओ तुम जेंट्स हो कि लेडीज हो, बता दो क्या हो तुम? I am girl. You are girl.
थोड़ा दौड़ के दिखाओ सबको, देखो कैसे दौड़ता है। आओ इधर आओ, गाइस ये है हमारा क्यूट सा बच्चा जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत। ये इतना प्यारा है, कोई भी प्यार ना करके कैसे छोड़े इसको, बताओ। पापा, ये देखो पापा, इसका नाम क्या है आपको पता है? ये है हमारी प्यारी पम पम। ये देखिए आ रही है मुझे, मुझे प्यार करने के लिए आ गई। खेल ना जाती है तुम मेरे साथ। कितना प्यार, शर्मीली नुकीला, शर्मीला चमकीला। ये मेरी मास्क है, इसको मत छुओ। कैसा लगा गाइस आपको, प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर।